भाइयों और बहनों, हरियाणा में सरकारी भर्ती का मतलब पहले होता था रिश्वतखोरी और युवाओं से लूट। नौकरी के लिए जितने तरह के खेल होते थे, उन्होंने यहां के कई नेताओं को जेल तक पहुंचाया है। ये स्थिति अब बदल चुकी है। 5 साल पहले तक जो खर्ची और पर्ची, मुझे बराबर याद है, मैं हरियाणा में काम करता था, खर्ची और पर्ची ये घर घर की कथा थी। उस खर्ची और पर्ची से परेशान हरियाणा का हर घर था। उस कल्चर का, उसी कल्चर ने हरियाणा को बदनाम किया था, बदनामी का कारण था। आज मैं मनोहर लाल जी को बधाई देता हूं, इतनी बड़ी बीमारी को ये मनोहर लाल जी की ईमानदारी ने आज ठीक करके रख दिया है, तो बधाई के पात्र है। अब हरियाणा के युवा साथियों को सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए किसी के आगे पीछे चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रहा हरियाणा सरकार ने किसान की कीमती जमीन और नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का गोरख धंधा भी बंद कर दिया है।